हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों कूलर मोटर वायरिंग का है, जिसमें कि यह मैंने ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइलें पहले से ही बनाकर रख ली हैं। तो यह इस कूलर मोटर का स्टेटर है, जिसकी मोटाई आधा इंच है, जिसे 6 सूद भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसमें रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इसकी रनिंग कॉइल की पिच है 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार। तो 1 से 4 में हम कॉइल को इस प्रकार बैठालते हैं, घुमाकर हम दूसरी बार 1 से 4 में कॉइल को इस प्रकार बिठालते हैं। इसके ऊपर हम स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। अब हम इस स्लॉट में कॉइल को इस प्रकार बिठालते हैं और इसके ऊपर भी स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी कूलर मोटर वायरिंग का वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार कॉइल को डालते हैं। यह हमारी 1 से 6 में कॉइल डल रही है, तो इसमें हम 1 से 6 में 3 बार कॉइल को ऐड करेंगे। तो यह कॉइल की लंबाई हमारी 37 इंच है, जिसमें कि टर्न 100 लगाए गए हैं और यह एल्युमिनियम वायर से बाइंड किया जा रहा है। तो अब हमारी 1 से 6 में तीसरी बार कॉइल को इस प्रकार घुमाकर स्टेटर में हम बिठालते हैं और कॉइल स्लॉट में डालने के बाद स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। दूसरी ओर यदि कॉइल बिठालने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो हम थोड़े थोड़े वायर करके आसानी से कॉइल को स्लॉट के बीच में बिठाल सकते हैं और ऊपर से हम स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। और इस प्रकार देखिए हमारी कॉइल इंस्टॉल हो गई है। यह हमारा कनेक्शन वायर है। एक वीडियो में ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल कैसे बनाई जाती हैं, उसका आपको ज़रूर बना के अपलोड करूँगा। तो अब देखिए हमारी नेक्स्ट कॉइल इस प्रकार स्टेटर में डाली जाती है। एक स्लॉट छोड़कर 1 से 4 में कॉइल को डाल देते हैं और इस प्रकार घुमाकर 1 से 4 में दूसरी बार कॉइल को ऐड करते हैं और ऊपर से स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। स्लॉट पेपर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वायर हमारा स्टेटर से झुकना नहीं चाहिए, नहीं तो कूलर मोटर में करंट आ सकता है। तो अब हम 1 से 6 में कॉइल को
बैठा लेंगे, जिसमें कि पिच 1 से 6 में 3 बार रहती है। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मतलब है, उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी आसानी से मिल सके। और इस वीडियो के बाद अब हम स्टार्टिंग कॉइल को स्टेटर में कैसे बैठालते हैं उसका भी अपलोड करेंगे। वह वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी कॉइल आसानी से स्टेटर में ऐड हो गई है। इस प्रकार हमारी दूसरी कॉइल भी हमने इंस्टॉल कर ली है। अब दोस्तों इसके कनेक्शनों पर बात करते हैं, तो मैंने तो यह ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो कनेक्शन ऑलरेडी जो कॉइल रहती है उसमें 2 ही वायर बाहर निकलते हैं, एक पहली कॉइल का और एक आखिरी कॉइल का, तो दोनों प्लस वायर रहते हैं। इसमें केवल ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि माइनस वायर माइनस में जुड़े और प्लस वायर प्लस में जुड़े, तो आखिरी में पहली कॉइल का वायर भी प्लस रहता है और आखिरी कॉइल का वायर भी प्लस निकलता है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी तीसरी कॉइल 1 से 6 में 3 बार कॉइल को इस प्रकार बिठालते हैं, इस प्रकार घुमाकर 1 से 6 में 3 बार कॉइल को बिठालने के बाद स्लॉट पेपर लगा देते हैं। इस वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया है क्योंकि स्किप करने के बाद आपको समझ नहीं आता है, तो यह मैंने बिना स्किप वाली वीडियो आपके लिए अपलोड की है। तो दोस्तों यह हमारी आखिरी रनिंग कॉइल स्टेटर में ऐड की जा रही है। आपको यदि वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि कनेक्शन वाली कॉइल स्टेटर में कैसे ऐड की जाती हैं और इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मेरी कॉइल थोड़ी मुड़ी हुई हैं, तो इसका अर्थ यह है कि एक बार मैं कॉइल को सीधा बिठालता हूँ और एक बार कॉइल को मैं उल्टा बिठालता हूँ, तो मेरे कनेक्शन ऑलरेडी हो जाते हैं। इसमें फिर ध्यान देने वाली बात नहीं रहती है। यदि आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कॉइल को किस प्रकार स्टेटर में ऐड किया जाता है।
अगला वीडियो दोस्तों स्टार्टिंग कॉल का रहेगा, जो कि आप ज़रूर देखिए। तो आपको कूलर मोटर वायरिंग आसानी से समझ आ जाएगी। तो एक से छः में यह आखिरी राउंड हम स्टेटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और यदि वायर डालते समय दिक्कत होती है तो थोड़े थोड़े वायर करके हम स्लॉट में बिठा सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी चारों रनिंग कॉइल स्टेटर में ऐड हो गई हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यह देखिए दोस्तों, यह हमारे कनेक्शन है जो कि प्लस इस प्रकार है और यह अगली पिछली कॉइल का प्लस वायर है जो कि इस प्रकार है। दोनों एक ही दिशा में कनेक्शन निकले हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।